ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2022 का समापन हो चुका है। फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जो कि राजस्थान रॉयल हार गई और गुजरात बन चुकी है आईपीएल की चैंपियन। लेकिन अब आईपीएल की बात खत्म हो चुकी है, माहौल गर्म है टीम इंडिया के कमबैक को लेकर। जो खिलाड़ी आईपीएल की फ्रेंचाइजियों की जर्सी पहन के नजर आ रहे थे, वो अब टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जल्दी होने वाली है एशिया कप 2022, यानी कि इसके लिए अब महज मुट्ठी भर का समय बचा है और जिसकी तैयारियों में जुट चुकी है टीम इंडिया। लेकिन एशिया कप से पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि एशिया कप का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है और जिसके अनुसार एशिया कप की मेजबानी श्रीलंकन क्रिकेट टीम को दी गई है, यानी कि श्रीलंकन बोर्ड को, जो कि श्रीलंका में आयोजित कराने जा रही थी। लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, अब एशिया कप श्रीलंका में नहीं होगा और अब जो स्केड्यूल बताया गया है वो भी कार्यक्रम नहीं रहने वाला है। तारीखों में भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एशिया कप को लेकर क्या बड़ी लेटेस्ट न्यूज आ रही है और इसको लेकर इतना ज्यादा घमासान क्यों है? आखिर श्रीलंका क्यों नहीं करा पा रहा है मेजबानी? और बाहर अगर किया जाएगा तो कब और कहां और तारीख क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर अब आइए जानते हैं एशिया कप को लेकर श्रीलंका ने क्या बड़ा अपडेट किया, नई तारीखे क्या रहने वाली है। तो चूंकि आप जानते हैं कि एशिया कप इस बार जो है वो T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसके लिए महज मुट्ठी भर का समय बचा है। इस एशिया कप के अंदर 6 टीमें भाग लेने जा रही है, T20 फॉर्मेट के अंदर खेला जाएगा, जिसमें श्रीलंका गत चैंपियन जो कि भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो पहले से ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद क्वालिफाई टूर्नामेंट में छठी और अंतिम टीम का निर्णय होगा। 6 टीमों का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने जा रहा है। T20 फॉर्मेट में एशिया कप का पिछला सीजन 2016 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। MS धोनी के नेतृत्व वाले भारत ने बारिश से बाधित मैच में मेजबान बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। फिर संयुक्त अरब अमीरात में हुए आगामी सीजन में भारतीय टीम फिर से विजयी बनी थी, जो 50 ओवरों के फॉर्मेट में खेला गया था। लेकिन अब बात करते हैं एशिया कप 2022 के बारे में। खैर तारीखों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और जिसके लिए कितना समय बचा है, ये बताने से पहले चूंकि हम बता दें आपको कि श्रीलंका के हाथों से एशिया कप 2022 की मेजबानी छिन सकती है। मौजूदा आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका क्रिकेट को ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है। श्रीलंका ने मेजबानी छीनने की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात को मेजबानी सौंपी जा सकती है। खबर की माने तो खुद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट को श्रीलंका से बाहर कराने के लिए प्रस्ताव रखा है एशियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। रविवार को श्रीलंका क्रिकेट ने बैठक के दौरान ACC अध्यक्ष जय शाह को अनुरोध किया कि एशिया कप को श्रीलंका से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। दरअसल वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से LIC चाहता है कि एशिया कप की मेजबानी किसी और देश में करवाई जाए। और अब इसको लेकर ये सवाल गहरा रहा है कि आखिर एशिया कप श्रीलंका में नहीं तो कहां? इसके लिए सबसे बड़ा वेन्यू UAE है, जी हां, जहां पर IPL भी करवाया गया है। और अब इसकी ज्यादातर चांसेस UAE में होने को देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट खुद एशिया कप को भी होल्ड कर चुका है, इसीलिए ये वेन्यू रहने वाला है। लेकिन अब तारीखों में क्या बदलाव है, क्योंकि पहले के हिसाब से एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होना था। मेजबानी को लेकर यहां पर ही फैसला लिया गया था। यह रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि एशिया कप के इस सीजन की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है। एशिया कप का 18वां संस्करण पहले से ही पोस्टपोन हो चुका है और अब इसके खेले जाने की उम्मीद 24 अगस्त से की जा रही है, जी हां 24 अगस्त से। और एशिया कप 2022 का जो फाइनल है वो 7 सितंबर को खेला जाएगा, यानी कि कुछ ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिन का यहां पर फेरबदल हो सकता है या इससे भी पहले एशिया कप का आयोजन कराया जा सकता है, क्योंकि बाकी क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप को लेकर बिजी रहने वाली है और इंटरनेशनल स्केड्यूल भी रहने वाला है, जिस वजह से कुछ तारीखों में बदलाव होगा। अगर तारीखों में बदलाव न भी होता है तो भी ध्यान लीजिएगा कि अब तक की ऑफिशियल तारीख 27 अगस्त से 11 सितंबर तक है, लेकिन मेजबानी को लेकर अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि श्रीलंका से बाहर इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं एशिया कप के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।